सोलन में रेस्ट हाउस से चंबाघाट तक सड़क के किनारे जल्द ही पैदल चलने का रास्ता बनने वाला है, जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। स्कूली बच्चे इसी रास्ते से आते जाते हैं, साथ ही बुजुर्गों को सुबह सैर करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा है, यही कारण है कि इस सड़क पर दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है, जिसके चलते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने लोगों की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस मौके पर पार्षद अमन सेठी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और शहर विकास मंत्री ने पैदल मार्ग के लिए 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। रेस्ट हाउस से चंबाघाट तक इस मार्ग का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल रखने जा रहे हैं। वहां पर स्कूली बच्चों को चलने के लिए और सुबह जो सैर पे हमारे बुजुर्ग जो सैर करने जाते थे कि वहां पे उस रोड पे काफी ट्रैफिक चलता है, तो उनकी सुविधा को देखते हुए जो पेडेस्ट्रियल पाथ है रेस्ट हाउस से लेकर चंबाघाट तक का जो बनेगा उसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और बहुत ही जल्द हमारे माननीय विधायक एवं मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं। और ये शहर के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो हमारे हिमाचल सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है, जिनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं।